हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के रेप और जलाकर हत्या की घटना के बाद देश के कई राज्यों से लगातार ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं। लड़कियों के साथ हो रही बर्बरता से पूरा देश आक्रोश में है। देश के पुश्तैनी जल्लाद पवन से बात करने न्यूज जब मेरठ पहुंचा तो देखिए उन्होंने क्या कहा। प्रांसी को बोलते पहले उनका वेट किया जाएगा, ट्रायल किया जाएगा उनका, कि रस्ता एंड टाइम पे टूटा नहीं है, कुछ नहीं हो बात है, तो हमें ऑलरेडी जो है रेडी रहना पड़ता। एक फांसी के लिए 25,000 लेने वाले जल्लाद पवन ने कहा कि मैं इन हैवानों को अपने हाथों से फांसी देना चाहता हूँ। जल्लाद पवन का कहना है कि फांसी देने से पहले उन्हें तख्ता रस्सी आदि चेक करते हुए ट्रायल करना पड़ता है ताकि फांसी देने में कोई अड़चन ना आए। पुश्तैनी जल्लाद पवन ने कहा कि अगर निर्भया के हत्यारों को सरकार समय रहते लटका देती तो शायद हैदराबाद की मासूम डॉक्टर बेमौत मरने से बच जाती। निर्भया के हत्यारों को आखिर तिहाड़ जेल में पाल कर क्यों रखा जा रहा है? इनका इलाज जब तक आनन फानन में नहीं होगा तब तक ये मुसीबतें समाज में बरकरार रहेंगी। आपको बता दें कि सन 1947 से लेकर 2019 तक देश में 57 लोगों को फांसी पर लटकाया जा चुका है। इस दौरान विश्व में मौत की सजा को खत्म करने के लिए आंदोलन भी हुए और कई देशों में मौत की सजा को खत्म कर दिया गया। हमारे देश में भी इस तरह की मांग उठती रही है, लेकिन पवन का कहना है कि जिस तरह से मासूम बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, हत्या की जा रही है, इससे इनको सबक सिखाना होगा। इनको फांसी पर लटकाना जरूरी है, तभी ये रुकेगा। पवन के पिता और दादा भी जल्लाद रह चुके हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी वो इस तरह जल्लाद बन आरोपियों को, अपराधियों को फांसी देने का काम करते रहे हैं। मेरठ से न्यूज के लिए रजनीश चौहान की रिपोर्ट।